हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश बाबा चैनल ऐड उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर देखिए, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी जो है वो 11 साल की है और टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, यानी कि टॉमी कितने साल का है? 13 साल का। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर देखिए, मार्गी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने क्या लिखा कि आज टॉमी को एक असली की किताब, सचमुच की किताब मिली। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने उससे पहले कभी कोई इस तरह की बुक देखी थी? आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने कभी इस तरह की कोई किताब नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसे बुक्स की कौन 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 सी ऐसी बात थी जो बड़ी अजीब सी लगी? आंसर देखिए, मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन। क्योंकि मार्गी कैसी बच्ची थी, वो फ्यूचरिस्टिक चाइल्ड है, वो किस पे पढ़ती है? स्क्रीन पे पढ़ती है। तो स्क्रीन पे क्या होते हैं, उसके वर्ड्स हटते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो ये वाली बुक थी, जो रियल बुक थी, उसमें जो वर्ड्स थे वो स्टिल रहते थे। स्टिल का मतलब एक जगह पे रहते थे। She also found it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were read. और उसे ये भी बड़ा अजीब लगा कि जो शब्द जिस पेज पे था वो उसी पेज पे मतलब स्थिर रहता था, हिलता डुलता नहीं था, जैसा कि वो पहली बार पढ़े गए थे, मतलब उसी। Besides, the idea that the someone would write a book about school was itself स्ट्रेंज फॉर मार्गी। यानी कि मार्गी के लिए ये वाला थॉट भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था कि यार कोई आखिर बुक के बारे में कैसे लिख सकता है, इतना बोरिंग आइडिया जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। ठीक है, आपको क्या लगता है टेली बुक क्या है? आंसर, अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन। एक ऐसी बुक जिसे स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, वो टेली बुक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, व्हाट डू यू थिंक, सॉरी, Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? Answer, Margie's school was in her home itself. Margie का जो स्कूल था वो उसके घर में ही था, right next to her bedroom. उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में। No, she did not have any classmates. उसका कोई क्लासमेट नहीं था, वो अकेली ही पढ़ती थी। Question, what subjects did Margie and Tommy learn? कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ा करते थे? Margie and Tommy learned geography, history and अर्थमैटिक। ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और अर्थमैटिक पढ़ते थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के टीचर्स थे, मतलब उनके टीचर्स कौन थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा जो उनके जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे, रोबोट की तरह थे। They were large and black and had ugly and large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. और वो कैसे थे? बड़े से थे, ब्लैक से थे, बुरे से लगने वाले, लार्ज ब्लैक स्क्रीन उन्हीं के ऊपर लगी हुई थी, जिसके जिसके ऊपर क्या लगे दिखाए जाते थे, लेसन दिखाए जाते थे उन दोनों बच्चों को, क्वेश्चन वगैरह। These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and the test papers. और जैसे आपके लैपटॉप के अंदर एक स्लॉट लगा होता है जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हो, ऐसे ही इन मैकेनिकल टीचर के अंदर एक स्लॉट लगा हुआ था जिसमें मार्गी और टॉमी को अपना होमवर्क डालना पड़ता था। They had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. और उन्हें अपने जो आंसर्स हैं वो पंच कोड में लिखने पड़ते थे और जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनके आंसर्स को बहुत जल्दी से चेक कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Why did Margie's mother send for the county inspectors? अब जो मार्गी की मम्मी थी उसने, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा था? आंसर, मार्गी had been given many tests in geography by the mechanical teacher. जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो उसे बार बार क्या दे रहा था, टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, बट देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। लेकिन मार्गी का कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा था उसके परफॉर्मेंस में, मतलब उसकी जो रिपोर्ट है खराब आ रही थी। इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वॉज हैपनिंग। और जो उसकी जो रिपोर्ट है वो दिन पर दिन इतनी खराब होती जा रही थी और वो सुधर ही नहीं रही थी, इसी कारण से मार्गी की मम्मी ने, ये जानने के लिए कि भैया क्या कारण है, क्यों मेरी बच्ची की जो रिपोर्ट है वो खराब क्यों होती जा रही है, इसलिए मैकेनिकल टीचर को भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास।
What did he do? County inspector ने क्या किया? The county inspector gave Margie an apple and started working on the mechanical teacher. Margie को एक apple दे दिया, apple means सेब दे दिया खाने के लिए और काम करना शुरू कर दिया mechanical teacher पे. He took it apart and then checked it. उसे ले गया पीछे की साइड और उसे चेक किया. क्या चेक किया? Margie had hoped that the inspector would not know how to put the mechanical teacher together again, but he managed to reassemble it. Margie क्या सोच रही थी? वो प्रार्थना कर रही थी, सोच रही थी भगवान इस पर ठीक ही ना हो, क्योंकि अगर ये ठीक भी नहीं होगा तो फिर मेरी क्लास भी नहीं लगेगी और मजा आ जाएगा. तो इसलिए मार्गी सोचती है कि भगवान इस पर ये ठीक हो ही ना, लेकिन वो दोबारा से उसे ठीक कर लेता है और उसे रीअसेंबल कर देता है. He slowed down the geography sector of the teacher because it was geared a little too quick for an average 10-year-old. और वो क्या करते हैं, जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर होता है उसे थोड़ा सा जो गियर होता है डाउन कर देते हैं. हुआ क्या था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो जो वो जो गियर जो है ज्योग्राफी सेक्टर का वो ज्यादा तेज चलता है, जिससे वो एक छोटी बच्ची को बड़ी क्लास के टॉपिक्स वो देता है, इसलिए उसकी रिपोर्ट खराब हो जाती है. तो वो 10 साल के बच्चे के हिसाब से उसे वो सेट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. ऐसा क्या बात हुई कि जो मार्गी थी उसकी रिपोर्ट जो थी खराब आ रही थी ज्योग्राफी में, और काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे सही किया, कैसे हेल्प करी. आंसर देखिए, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन अ लिटिल टू क्विक. इसलिए खराब कर रही थी, ऐसा नहीं था कि वो सचमुच में पुअर थी ज्योग्राफी में, इसलिए खराब कर रही थी क्योंकि उससे बड़ी क्लास का पूछा जा रहा था. है वो 10 साल की बच्ची, लेकिन उससे पूछा जा रहा है 12 साल की 15 साल के बच्चे वाला क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है वो खराब तो करेगी. द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द पुअर परफॉर्मेंस. काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मी को बताया कि भाई देखो बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची तो अपनी तरफ से बढ़िया कर रही है, लेकिन द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10-year लेवल. और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो जो ज्योग्राफी सेक्टर का जो गियर जो तेज लग गया था उसे पीछे कर दिया, मतलब कहने का मतलब उसके बच्चे के लेवल पे ला दिया 10 साल के बच्चे के लेवल. He also told Mrs. Jones that Margie's overall progress pattern was satisfactory. और उन्होंने Mrs. Jones यानी जो मार्गी की मम्मी, उन्हें बताया कि बच्ची की जो रिपोर्ट है वो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है. What had once happened to Tommy's teacher? Tommy के टीचर को एक बार क्या हो गया था, मतलब टॉमी के टीचर में क्या खराबी आ गई थी. Once the history sector of Tommy's teacher had also blanked. Had once blanked out completely. एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी का जो टीचर था उसमें जो हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मतलब उसमें स्क्रीन ही नहीं चल रही थी, खराब हो गया था. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या उसके स्कूल के जो डेज थे पढ़ने के वो एक रेगुलर टाइम था क्या, अगर ऐसा था तो क्यों था. Yes. Margie had regular days and hours for school. बिल्कुल जो रेगुलर डेज थे और पढ़ने के जो घंटे थे वो भी उसके रेगुलर थे. This was because her mother believed that learning at a regular hours help little girls learn better. क्योंकि उसकी मम्मी का ये विश्वास था कि अगर बच्चा एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ता है या मेरी बच्ची पढ़ेगी तो उसके लिए बढ़िया रहेगा, बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आएगा. Her mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday. और उसका जो mechanical teacher था उसे रोज उसी टाइम ऑन किया जाता था, चलाया जाता था या वो शुरू हो जाता था बिल्कुल हर दिन, लेकिन सैटरडे और संडे को छोड़कर. कहने का मतलब यह है कि वो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करती होगी. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी जो पुराने जमाने के जो स्कूल होते हैं उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब करता है. टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडीड टुगेदर. टॉमी कहता है जो पुराने तरह के जो स्कूल थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. जहां पर सैकड़ों बच्चे पढ़ा करते थे और खेला करते थे एक साथ. दे यूज्ड टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड. और वो चिल्लाते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे, मतलब सारे काम वो एक साथ किया करते थे. तो आई होप ये जो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. देखिए, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. जो टॉमी है, जो पुराने जो टीचर्स हैं वो उसे कैसे डिस्क्राइब करता है. Tommy said that the old kind of teachers was man. जो पुराने जो टीचर्स होते थे वो इंसान होते थे, आदमी होते थे. Who taught the students inside a special building. जो कि बच्चों को कहाँ पढ़ाते थे, एक बिल्डिंग के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर पढ़ाते थे.
टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. जो टीचर्स थे वो बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे और उन्हें क्या देते थे, होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वॉट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पहले से ध्यान से पढ़ेंगे. अब मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. ठीक है, क्या थे उनके फीचर्स, क्या थे? एक तो मैकेनिकल टीचर था. दे हैड, उनमें क्या था, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. मैकेनिकल टीचर के अंदर क्या लगी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, स्क्रीन लगी हुई थी जिससे वो पढ़ते थे. दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. उसी के अंदर एक स्लॉट लगा होता था जिसमें बच्चों को अपना होमवर्क डालना होता था, टेस्ट पेपर्स डालने होते थे. दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड दैट द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली. और उन्हें जो अपना होमवर्क करना होता था वो किसमें करना होता था, एक पंच कोड में करना होता था, और जिससे वो बहुत जल्दी से, जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट काइंड ऑफ टीचर था, वो बहुत जल्दी से चेक कर देता था. अब क्या होता है, देयर स्कूल were in their homes itself, they did not have any classmates. और उनके जो स्कूल थे इन दोनों बच्चों के, मार्गी के और टॉमी के, उनके घर में ही था और उनका कोई दूसरा क्लासमेट नहीं था, मतलब दोनों बच्चे अकेले पढ़ते थे. They learned geography, history and arithmetic. Geography पढ़ते थे, history पढ़ते थे, arithmetic पढ़ते थे. They had regular days and hours for school. और उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के जो दिन थे और पढ़ाई का जो टाइम था वो बिल्कुल रेगुलर था, ये नहीं कि आज 3 बजे पढ़ रहे हैं, कल 5 बजे पढ़ रहे हैं. मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और मार्गी का जो स्कूल था बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल वाला ही जो कमरा था वो ही था. द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्नड ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज बिकॉज हर मदर सेड दैट द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स. जो मैकेनिकल टीचर है रोज शाम को, मतलब रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ऑन होता था, मतलब पढ़ाता था, केवल सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि उसकी मम्मी का ये विश्वास था कि अगर बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाया जाए तो वो अच्छा सीखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम. व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल. मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी. व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. और उसे ऐसा क्यों लगता था जो पुराने जमाने के जो स्कूल थे वो बहुत अच्छे स्कूल थे. मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वाज नॉट फन. क्योंकि उसे, क्योंकि वहाँ पर कोई फन नहीं होता था इसलिए उसे बुरे लगते थे. अब मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर एवरी डे एट फिक्स टाइम. एक मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाता था रोज. रिसेंटली शी हैड बीन डूइंग बैडली इन द ज्योग्राफी टेस्ट दैट हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन. और जो मैकेनिकल टीचर जो उसे टेस्ट दे रहा था उसमें उसकी खराब रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए जाहिर सी बात है उसे बुरा लग रहा था. हर मदर वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड सेंड्स द फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. शी होप्स दैट द इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर अवे. अब उसकी मम्मी भी परेशान हो जाती है मार्गी की कि मेरी बच्चे की रिपोर्ट जो है खराब पे खराब आ रही है, इसलिए वो टीचर को कहाँ भेज देती है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है ठीक करने के लिए. लेकिन जो मार्गी है वो ये सोचती है कि काश उस पर ठीक ही ना हो तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. शी इज डिसअपॉइंटेड व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर मैनेज्ड टू असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर. द पार्ट दैट शी हेटेड द मोस्ट वाज द इंटरेस्ट इंसर्टिंग द होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑफ द मैकेनिकल टीचर. अब वो इसलिए ज्यादा निराश हो गई मार्गी क्योंकि जो मैकेनिक जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने बहुत जल्दी से वो जो उसका टीचर था उसे ठीक कर दिया. और उसे अपने टीचर का जो सबसे खराब पार्ट लगता था मैकेनिकल टीचर का वो ही क्या लगता था, जिस स्लॉट में उसे अपना होमवर्क या डालना होता था या टेस्ट पेपर. शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट व्हेन शी हैड टू राइट द आंसर्स इन अ पंच कोड. और उसे पंच कोड में अपने वो आंसर्स को भी अच्छा नहीं लगता था लिखना. शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज शी इमेजिन ऑल द किड्स वर फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर. और उसे ऐसा लगता था कि पुराने जमाने के जो स्कूल थे कितना मजा आता होगा बच्चों को क्योंकि बच्चे एक साथ पढ़ने जाते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग, बच्चे लाफ करते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में. शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर. वो ये इमेजिन करती थी कि बच्चे एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, एक साथ घर जाते थे, कितना मजा आता होगा. They would learn the same things. और वो एक ही साथ एक ही तरह की चीजों को पढ़ते थे, होमवर्क करते थे, बात करते थे. Also the teachers were, और जो टीचर्स थे वो भी इंसान थे. All these aspects made her believe that the old kind of school must have been fun. और ये सारी चीजें उसे ये रियलाइज कराती थी कि पुराने जमाने के स्कूलों में कितना ज्यादा मजा आता होगा.